वेलकम बैक एवरीवन टू हिमलैंड। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपने प्रिय मित्र मिस्टर फलाना जी से एक बहुत ही बड़ा बदला लिया था, बिकॉज उसने मुझसे हिमलैंड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अनब्रेकेबल ब्लॉक्स को तोड़ने वाले पिकेक्स को चोरी कर लिया था। एंड ये पिकेक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी अपने हिमलैंड को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए। तो लास्ट एपिसोड में मैंने प्लानिंग बनाई थी कि मैं उससे वो पिकेक्स वापस लेकर आऊंगा किसी भी हालत में, जो कि मैंने एंड में किया भी था। एंड उसके बाद मैंने कमांडर को बोला कि मिस्टर फलाना जी को लेकर जाओ और जेल के अंदर बंद कर दे। बट थोड़ी देर के बाद गाइस क्या होता है, इनविजिबल एंटिटी मेरे मुंह के सामने आती है एंड पता नहीं किन मायावी ताकतों का इस्तेमाल किया उस बंदे ने, लेकिन मेरी इन्वेंटरी से सारा का सारा माल लेके चला गया। वो सुपर पावरफुल पिकैक्स, सुपर पावरफुल एक्स, सुपर पावरफुल सॉर्ड, सब कुछ लेके भाग गया वहां से। मुझे हाथ तक भी नहीं लगाया उस बंदे ने। एंड लास्ट टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं हुआ कि इसने क्यों ये पिकैक्स में से चोरी करी होगी, लेकिन गाइस उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और अभी मैं एक बहुत ही बड़े कंक्लूजन पे आया हूं। उस कंक्लूजन को बताने से पहले इस वीडियो का लाइक हम सेट कर लेते हैं, जो कि पूरे के पूरे 3 लाख लाइक्स। गाइस मैं देख रहा हूं आज का तुम लोग गायब हो चुके हो, जो देख के मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए गाइस लाइक जरूर करना एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। गाइस मैंने जो थ्योरी यहां पे लगाई है ना, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इनविजिबल एंटिटी है वो अनब्रेकेबल ब्लॉक्स को तोड़ने वाली पिकैक्स को लेकर गया अपने भाइयों को आजाद करने के लिए। तुम लोगों को याद होगा लास्ट सीजन के एंड में डार्क कैसल के अंदर मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कुछ डार्क एंटिटीज को होगा लाला एंड जो उनका पिताजी था जो सबसे बड़ी एंटिटी थी उनको कैप्चर किया था हम लोगों ने एक क्राइंग ऑब्सीडियन की जेल के अंदर। एंड तुम लोगों को पता जो होगा लाला और जो ये इनविजिबल एंटिटी, ये लोग क्राइंग ऑब्सीडियन से डरते हैं। ये लोग क्राइंग ऑब्सीडियन को ना टच कर सकते हैं, ना ही उनको खोज सकते हैं, ना ही उनके ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो ये अनब्रेकेबल ब्लॉक्स को तोड़ने वाली पिकैक्स है, इस पिकैक्स के इस्तेमाल से वो उस जेल को तोड़कर अपने भाइयों को आजाद करना चाहता है। एंड अगर गाइस ये बात सच्ची है ना, तो हमारे हेमलैंड के अंदर हमारी बैंड बजने वाले बहुत ही ज्यादा है। मुझे गाइस अभी किसी भी हालत में इस बंदे को रोकना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं इसको रोकने में यहाँ पे कामयाब नहीं होता हूँ ना, तो दोबारा से गाइस लास्ट सीजन की तरह हमारे हेमलैंड्स के अंदर वो काले दिन वापस आ जाएंगे। एंड एक सेकंड रुको भाई, ये जो उड़ने वाला पर मुझे लास्ट एपिसोड में दिया था गाइस नूबड़ा जी ने, इसकी ना पावर यहाँ पे डाउन हो रही है। और मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम पे बोल रहा था कि शायद इसकी बैटरी डाउन हो रही है, बट एक्चुअली इसकी बैटरी डाउन नहीं हो रही है। ये नूबड़ा जी की उड़ने वाली सुपर पावर्स है, जो कि इसने कुछ देर के लिए मुझे रेप्लिकेट करके इस फैदर के अंदर डाल के दी थी। एंड तुम लोगों को पता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के लिए काम करती है। एंड आई गेस अब इसका समय आ चुका है, तो मुझे ना ये जो फर है ये यहाँ पे मुझे वापस करना पड़ेगा नूबड़ा जी को, बिकॉज अब ये ना मुझे कभी कभी बीच में उड़ा रहा है और कभी कभी तो भाई मुझे आकाश से नीचे फेंक देता है। अगर मैं क्लच ना करूँ ना वाटर बकेट वाला, तो मैं वहीं पे मर भी सकता हूँ। तो ये रिस्की हो गया मेरे लिए बेसिकली। तो अभी ऐसा करता है कि पैदल ही चलते हैं। और गाइस मैंने अभी यहाँ पे सोचा है कि अगर मैं अकेले इस बारी फिर से इनविजिबल एंटिटी को रोकने के लिए जाऊंगा डार्क हेमलैंड के अंदर, तो मैं मर भी सकता हूँ। तुम लोगों को पता है गाइस डार्क हेमलैंड का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे किसको है, मेरे दूसरे दोस्त एसजीओ को। तो अभी एक काम करते हैं गाइस, एसजीओ को ढूंढने के लिए चलते हैं। सबसे पहले मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि मुझे कहां पर मिल सकता है, एंड उसको मैं यहाँ पे सारी सारी कहानी सुनाता हूँ। एंड गाइस एसजीओ के साथ मिलकर इस इनविजिबल एंटिटी को मैं रोकने वाला हूँ अभी ये कांड करने से, बिकॉज अगर इसने होगा लालू को यहाँ पर अभी आजाद कर दिया, तो जो हम लोगों ने पिछले सीजन में जो मेहनत करी थी ना भाई, इसको कैप्चर करने की, पूरी वेस्ट हो जाएगी। और इस बार वो फिर से जेल के अंदर नहीं जाने वाला किसी भी हालत में। एंड इस बारे में गाइस सोच के ना मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अंदर से। एंड गाइस अभी हम लोग ना थोड़ा सा दूर है, 1001 ब्लॉक दूर है यहाँ से डार्क हेमलैंड का इलाका। एंड वहां पर गाइस मुझे एसजीओ और ड्रीम बॉय मिलने वाले। उन्होंने मुझे बताया था, वेट ये कैसी आवाज आ रही है, वेट कोई लड़ रहा है, यो वो, अरे भाई मेरे पास एक तो जूम नहीं ऑप्टिफाइन वाला, अरे वहां पे एसजीओ लड़ रहा है, एसजीओ हेलो, एसजीओ एसजीओ, इसको मेरी आवाज नहीं आ रही है। अरे ये मिस्टर फलाना जी साला कुत्ता एक नंबर का, चेले छूट रहा है यार सस्ते वाले। एसजीओ एसजीओ मेरी आवाज आ रही है आपको, हेलो हेलो हेलो, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे रुको 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 रुको, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं, स्वॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं, मेरे को एक बार यहाँ पे स्वॉर्ड बनानी पड़ेगी भाई। अरे यार स्वॉर्ड क्या बना रहे हो, हल्ला कर दो। अरे अल्लाह नहीं, मेरे को मार देंगे, मेरे को इजीली मार देंगे लोग, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जल्दी भाई दो सेकंड रुको बस, मैं अपने यहाँ पे फटाफट एक तलवार बना रहा हूँ। ये लोग भी कुछ ना कुछ तोड़ रहे हैं, ये साला मेरा ब्रिज तोड़ रहे हैं, जल्दी आ जाओ यार। मैं एक सेकंड मैं बस आया। अरे मेरा एचपी बहुत है, ऊपर 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 ऊपर। अरे ये लोग फिर से कैसे आ गए, जो फलाना जी ने कहा यहाँ पे वो कर दिया क्या, आजा पकड़े। नहीं मैं फलाना के पास गया था, मुझे मार मार के यहाँ पे भेज दिया भाई। ये बहुत कर, नीचे 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 तो नीचे, मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ, एक को मैं पकड़ते को आप पकड़ो, ठीक है ना, एक को मैं पकड़ता हूँ, आजा पकौड़े आजा पकौड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा है एसजीओ, मेरी बात सुनो कि मिस्टर फलाना जी के पास फिर से पैसा नहीं है, आपको पता है जो मैंने नहीं, पर पता नहीं उसके पास कैसे पैसा आ गया है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वो जो एक मैंने आपको बोला था ना लास्ट टाइम पे कि वो उनको बेच रहा है एंड क्रिस्टल्स को, एक उसने बेच दिया है, एक उसने बेच दिया ऑलरेडी, पैसा है ब्रो।
ओ माय गॉड, उसने लेकिन लाखों रुपयों में बेचा होगा यार। अरे ऐसे 50 करोड़ का एक बिका है लाखों में? नहीं भाई मेरे। ओ माय गॉड, नो, ये फॉरेन वाले बंदे आ गए वापस। अब मेरी बात सुनो जियो। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे जब वो बंदा उसको बेच रहा था ना क्रिस्टल्स को, उसके बाद डायरेक्ट मैंने उसको जेल के अंदर कैप्चर करवा दिया। ब्रो वो कैसे खरीद सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही है। इन लोगों को पैसा किसने दिया? वही तो मेरे को समझ नहीं आ रही है। अरे बराबर ना, ये इसके दो दो रूप है ना, तो उसके क्लोन वगैरह जो कुछ भी है उसका जो अल्टीमेट क्लोन है, उसकी इन्वेंटरी मैच हो रही है ना। सेम ये मर नहीं रहा है मेरी। ऐसे आपकी कौन सी शॉट है? नेदर एंड की शॉट से नहीं मरे मेरी। पास एक्स वाली है यार, एक्स इफेक्ट वाली। मेरे पास जो टक्की स्वाड है मेरे से तो बिल्कुल नहीं मरेगा। ऐसे मेरे पास सुनो, जंगल में लेके चलो ना जंगल। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो, मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा एस्केप आइडिया है। ये मिस्टर फलाना जी का चूजे है ना, तो मिस्टर फलाना जी को मैं आइडिया अपनाने वाला। लास्ट टाइम पे वो ना एक बहुत ही ओपी आइडिया का इस्तेमाल करके छुप रहा था। ऐसे मेरे पीछे पीछे जल्दी हो, जल्दी जल्दी हो, दूर में आ रहा मेरे एग्जैक्टली पीछे आइए। जल्दी हो, जल्दी जल्दी हो, मेरे पास एक बहुत ही ओपी आइडिया है। थोड़ा सा ना इनसे लीड हासिल करनी पड़ेगी मेरे को। आप थोड़े बहुत पर्ल्स पकड़ाओ। जल्दी जल्दी पर्ल मार मेरे को, उठाओ उसको जल्दी, भागो भागो भागो। ऐसे बहुत दूर फेंको, बहुत दूर फेंको, बहुत दूर फेंको, बहुत दूर फेंको। दिस इज नाइस। और दूर आओ, जल्दी आओ। दो बार फेंकी है, मैं पीछे आपके, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जल्दी 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 आओ। यहां पे, यहां पे, यहां परफेक्ट, यहां परफेक्ट है। यहां पर मैं दो ब्लॉक लगाऊंगा, अभी इन दो ब्लॉक के अंदर घुस जाओ। जल्दी आओ, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? दो ब्लॉक के अंदर घुस, टैलेंट की टेक्निक, घुसो घुसो इसके अंदर घुसो। अरे वहां भी घुसते भाई मेरे, इसके अंदर घुसो, अंदर घुसो। और क्राउच कर आपका नाम ना दिख रहा है बस, ये कितना ऑसम है। अरे आ जाओ ना फिर आप भी। मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ। अरे एज़ियो मेरे भाई, आपका भी पता चला मैं कर क्या रहा हूँ? यहाँ हूँ मैं, इन ब्लॉक्स के अंदर हूँ मैं, इन ब्लॉक के अंदर आओ जल्दी जल्दी। Yes! ब्लॉक तोड़ रहा था भाई, किसी को कान कान खबर नहीं होगी। और हम लोग यहीं पे छुप रहेंगे अभी। ब्रो यहाँ से देख तो नहीं सकते ना हम लोग। ऐसे सुनो, आप अपने हाथ में तलवार मत रखना। आ गया, ओह माय गॉड, अपने हाथ में तलवार मत रखना, वो ब्लॉक से ग्लिच होकर दिखता है। ऐसे वो ग्लिच होकर दिखता है, वो ग्लिच होकर दिखता है। ओह माय गॉड, कुछ हाथ खाली रखो बस। अब देखो ये लोग हमें देख नहीं सकते हैं, चले गए। नो ये सामने है भाई, सामने खोद रहा है ये बंदा। और दूसरा वाला पता नहीं कहाँ है एज़ियो, आई हैव नो आइडिया। आपको श्योर है ना ये नहीं देख सकते हमारे? एज़ियो F5 दबाओ ना मेरे भाई, F5 दबाओ ना। कहाँ दिख रहा है? देखो कोई चांस नहीं है ब्रो, ये बहुत ऑसम चीज है। ये कहाँ से मिला आपको? है ना भाई, प्रोफेसर ने बनाया, पता है आपको? प्रोफेसर आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एंड उसने मुझे दे दिया ये। और कुछ खाना वगैरह खाना इनको आ जाएगी। हमारे लिए, हमारे मेरे लिए कुछ देता नहीं, आपको सब दिया जा रहा है यार। अरे भाई कल जब ड्रीम बॉक हमने बचाया नहीं था, उसके बाद मैंने उसके पास गया, कुछ टूल वगैरह दे दे, मेरे को बोलता भाई देख ये मैंने नई एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है। और मैं उसको बोला कि क्या फालतू के ब्लॉक्स बना रहा है, और ये देखो आप कहां पर काम आए। चले गए, आइए चलो, चले गए चले गए। ब्रो आप देख रहे हो उनमें शिद्दत कितनी, इसने इस बार ज्यादा पगार दिया है क्या इन लोगों को? मेरे को भी लग रहा है यार, फलाना ऐसे 50 करोड़ का एक बिका है यार। एंड बाय द वे, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में लोग बात कर रहे थे, मिस्टर फलाना जी आजकल अपने दिमाग की क्रिएशन से और फलाना जी क्रिएट कर रहा है, एंड उनको अलग अलग टास्क असाइन कर रहा है, एंड टास्क असाइन करने के बाद वो सारे के सारे आते हैं और एक साथ मर्ज हो जाते हैं। और अगर मान लो एक फलाना जी के पास एक पिकैक्स है तो दूसरे के हाथ में भी चली जाएगी। बट एज़ियो सीकरी वो डिफ्यूज होता है वैसे, मतलब उनका फ्यूजन हो जाता है। इवन उनका ब्रेन के अंदर जो चीजें हुई है ना उनके क्लोन के साथ, व्हाटएवर क्लोन ही बोलते हैं इन लोगों को, वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब हो जाती है। हाँ। तो अब ऐसे आपको पता है लास्ट एपिसोड में मैंने ना फलाना जी को कैप्चर कर दिया, तब भी उसने अपने फेक क्लोन वाले फलाना जी को वो पैसा पकड़ा कर अपने लिए न्यू आर्मी खड़ी कर दी शायद से, तब ये दो बंदे पीछे पड़े हुए थे। भाई चलो उल्टी राख में चलते हैं। फाइनली लोगों का धोखा दे जो कैप्चर किया होगा वो उसका रियल वर्जन होगा भी नहीं। नहीं असली है, असली है जी, वो असली है, मैं बता रहा हूँ आपको असली है वो। क्यों? अरे उसमें आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। मेरे साथ था वो, आपके हिसाब से क्लोन था क्योंकि आपको ऐसे लग रहा था कि आपके पास असली वाला फलाना है। हाँ? मुझे कहाँ पे पता चला कि ये असली वाला फलाना नहीं है? अजय मेरा वाला लेकिन असली है, जब मैंने उसे बात करी उसको मैंने सरेंडर करवाया। क्लोन तो आपको लगता सरेंडर करेगा? मेरे वाला बंदा बोल रहा था, ये लोग बोलते है भाई फलाना सेम आवाज है। हाँ? नहीं नहीं, पर मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो मेरा वाला बंदा है ना वो इस वक्त असली वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। उसने नीचे लिख कर भी लाया कि तेरे को बताऊंगा मैं, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। मतलब 50% चांसेस है कि वो नकली भी हो सकता है। नहीं नहीं, पर होगा वो असली, गारंटी है मेरी इस बात की। चलो पर आपने कुछ तो कैप्चर कर लिया, मतलब आपके पास पिकैक्स आ गया ना फाइनली अभी। अरे ऐसे भाई बड़ी खुशी की बात थी कि वो पिकैक्स, एक्स और वो स्वॉर्ड, तीनों जो सुपर पावरफुल चीजें थी ना, वो तीनों मैंने फलाना जी से निकाल दी थी लास्ट एपिसोड में। भाई बहुत ज्यादा खुशी हुई थी मेरे को यार। भारी है ना, चलो। लेकिन ऐसे उसके बाद एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। आपको मेरे को सुनना ही नहीं है, मुझे पता है कुछ ना कुछ
पहले बता के दो। अब शकुन हो चुका है जो एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा यार। आपको मैं कैसे समझाऊं, मेरे को ना भी बहुत डर लग रहा है कि आप ना मेरे को यहाँ पे घर से रखने वाले हो। आपको पता वो जो बेवकूफ जैसी डार्क एंटिटी बोल रहा हूँ, क्या नाम है, इनविजिबल एंटिटी, हूला लाला हाँ। वो मेरे सामने आया एंड उसने पता क्या किया, सपोज करो आप हूला लाला हो लास्ट एपिसोड में, और मेरी इन्वेंटरी से स्वॉर्ड एक्स और पिक एक्स तीनों अपनी इन्वेंटरी पे लेके भाग गया, तीनों लेके भाग गया वो बंदा। मैं चला उड़ चला भाई वो बंदा। आपको पता है इससे क्या होने वाला है? अरे ऐसे मुझे सब पता यार, वो बंदा इस वक्त डार्क एंटिटी उसको डार्क कैसल के अंदर जाकर मेरे हिसाब से रिलीज करने के लिए जा रहा है, बिकॉज वो ट्राई को तोड़ नहीं सकता। उसके दिमाग में ये आइडिया डाला किसने? एक सेकंड, आप क्या मतलब इस बात का भी किसने डाला, ये क्या बात हुई? हमने, क्योंकि हमारी वजह से। आपको पता नहीं है वो पहली बार मेरा जो त्रिशूल है ना ब्लास्टिंग वाला, वो ट्राइडेंट, हाँ वो ट्राइडेंट उसने मेरे इन्वेंटरी से खींच लिया था जब मैं उसके साथ लड़ रहा था। ओ, सही में? तो और वही चीज आपके पिकर आपने उसके दिमाग में क्यों डाली चीज मुझे बताओ। अरे मैंने, हमने नहीं डाली है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये सारी चीजें, वो हमारे वीसी को हैक करके बैठा था उसी टाइम पे जब हम लोग बोल रहे थे कि इस ट्राइडेंट के साथ ब्लास्ट करके वो डिस्ट्रॉय कर सकता है क्राइन ऑब्सिडियन को। आपको एक बात बताऊं मैं, चलो अब जल्दी जल्दी यहां से आ जाओ। अभी तक मैं ना थोड़ा सा लाइक 50% श्योर था, 50% शक था कि शायद वो ये करेगा कि नहीं करेगा, बट अब आपने मेरे को यहाँ पे 100% शक कर दिया यार, वो पक्का ये करने वाला। नहीं नहीं, आगे तो सुनो, हम अभी एक्चुअली बहुत ज्यादा हैप्पी थे मैं और ड्रीम बॉय, इसलिए तो मैं फलाने के पास गया था, मुझे लगा कि हो गया इसका। वो जो ट्राइडेंट था ना मेरा वाला, उससे वो ब्लॉक जो अनब्रेकेबल ब्लॉक है ना वो नहीं टूटते, वो बंदे ने कोशिश भी किया भाई, ये गोटे गले में आ गए थे हमारे, मेरे और ड्रीम बॉय के। मतलब आप ही बोल रहे हो कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली उसको चेस किया, उसको मारने की ट्राई की, उसने आपको मारा? हाँ। इतना बड़ा मैनेंट हो गया मुझे पता ही नहीं है भाई, वाह। अरे क्योंकि आपने तो बोला मैं जा रहा हूँ वो पिकेक्स लेने के लिए फलाना के साथ, और मैं और ड्रीम बॉय चले गए वहाँ पे भाई। अजय इसका मतलब फिर तो 100% हो चुका यार, वो एक्चुअल में कर देगा, चलो जल्दी डार्क इम्प्लांट। फिर तो वही तो बोल रहा हूँ कि अभी तो ज्यादा ये है कि वो सारी चीजें, जो कुछ भी पावरफुल चीजें है ना हमारे पास, हाँ। वो सारी ले रहा है और टेस्ट कर रहा है कि कौन सी चीज से ये अनब्रेकेबल ब्लॉक टूटेगा, और अभी तो उसके पास अनब्रेकेबल पिकैक्स है, उसको पता भी नहीं होगा उसकी वैल्यू क्या है। जो आपको मैं एक बात बोलूं, पिछले एक घंटे से लेकर मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अभी तक तो शायद से पहुंच भी गया होगा डार्क कैसल में, अभी तक तो शायद तो छुड़ा भी दिया होगा, लेकिन अगर छुड़ाता तो गाइस 100% मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ कि जब वो क्राइंग ऑब्सिडियन की जेल टूटेगी ना, तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक बारी एक लाइब्रेरियन से हम लोगों ने एक पूजा पाठ करवाया था वहाँ पे, याद है तुम लोगों को गाइस? उस टाइम पे ना उसने मुझे बोला था कि जब ये जेल टूटेगी ना तो नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होगा हिमलैंड्स के अंदर, एंड तुम लोग को आवाज सुनाई देगी। फिलहाल को ऐसे वो आवाज हमको आई नहीं अभी तक। अरे आपको पता नहीं? नहीं नहीं, आप तो उस साइड पे थे ना, आपको पता है जब हम लोग एक दूसरे को तंग करते थे, एक दूसरे को ट्रैप में डालते थे, याद है? तब फलाने ने बनाए थे अनब्रेकेबल ब्लॉक्स इस वर्ल्ड में हिमलैंड्स के। फलाने ने मुझे रात को बताया था कि भाई जब स्मार्टी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, और गलती से इसने कुछ जादू टोना करके तोड़ भी दिया, तो पूरे जितने इस वर्ल्ड के अंदर डायमेंशन है, मतलब डार्क हिमलैंड्स, हिमलैंड्स, फिर डार्क हिमलैंड्स वाला नेदर, फिर नॉर्मल नेदर, उसके बाद एंड वाला, फिर एंड वाला अलग पोर्टल, सारे डायमेंशन में आवाज जाएगा एक ही साथ। Exactly, और वो अभी तक हमको आवाज आया नहीं, दिस मींस उन्होंने अभी तक उसको ना रिलीज किया नहीं है, बट एज यू वो कभी वहां पे पहुंच सकता है, उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन यार मैं वुडन तलवार से कैसे रुकूंगा इस बंदे को, मेरे को हंसी आ रही है अपनी किस्मत के ऊपर यार। तलवार बना लो, आपके पास डायमंड्स और कुछ नहीं है भाई, पूरी इन्वेंट यार। ओ शिट, मेरे को भी याद आया यार, पार्क और वॉरियर की चैंपियनशिप पे ना उन लोगों ने हमारा सारा सामान निकाल दिया था, वो मैं वापस लाना ही भूल गया जल्दबाजी। अच्छा, फिर ये तलवार देखो, ये चाहिए क्या आपको? ये नॉर्मल वाली है, मतलब मेरे पास शार्पनेस 5 अनब्रेक, तब भी चलेगी, थोड़ी मतलब की हेल्प हो जाएगी, बट आपको पता है इनविजिबल एंटिटी को हम लोग इससे नहीं मार सकते। ऐसे मेरे पास एक आइडिया है, वो ड्रीम बॉय का लाइब्रेरियन कहाँ पे होगा, कुछ आइडिया है आपको क्या? ड्रीम बॉय का लाइब्रेरियन शायद, आई थिंक सो, लास्ट टाइम उन्होंने लाइब्रेरियन को तो बोल दिया था कि मेन इम्लैंड्स में जा प्रोफेसर के साथ, तो मेन इम्लैंड्स में ही होगा। एक काम करते हैं ना, उसको बुलाते हैं और उसको अपने साथ लेके चलते हैं डार्क कैसल में, और अभी एसियो मेरे दिमाग में एक बहुत खुराफात आई हुई, उसको पूरा करते हैं एंड कोशिश करते हैं अपने हिमलैंड्स को बचाने की। अरे वो नहीं आएगा यार, वो ड्रीम बॉय का चूजा है, वो बिल्कुल हमारी मदद नहीं करेगा। हैं? अरे भाई एज़ियो, उसको हम लोग उठा के लेके जाएंगे, जब हिमलैंड्स को बचाने की बारी आएगी ना भाई, तो हम लोग सब काम करेंगे जो कि नहीं करने चाहिए नॉर्मली, उसको उठा के लेके चलते भी। चलो, अरे वो बंदा तो कभी कभी ड्रीम बॉय की बात ही नहीं सुनता, उसको सिर्फ सुबह शाम दारू चाहिए होती है। अरे उसको अब भी घर से उठा के चलो, घर से उठा के लेके जाएंगे उसको, चलो आ जाओ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं मानेगा। ऑलराइट गाइस, तो मैंने और एसडीओ ने अभी यहाँ पर इस लाइब्रेरियन को उठा दिया। भाई बंदा आ ही नहीं रहा था यार, बिल्कुल नहीं आ रहा था बंदा, बट इसको जो उठाया हमने अभी ना भाई साहब, नींद में था बंदा,
एंड पता नहीं दारू दूरू पी के बैठा हुआ था अपने घर के अंदर। एंड ब्रो सुन, कोई ना उसको बताया आज चिल्ड्रंस डे है, ड्राई डे है तो नहीं है। सुन मेरी बात, तब जा क्या अभी तू कोई नशे में तो नहीं है ना भाई, तेरे को पूरा काम करना है हमारा अभी। देखो हाथ में ना गवर्नमेंट उठा लेगी तेरे को, बात मानने वाली है गाइस। ये बंदा अभी भी बुक पढ़ रहा है रास्ते में चलते चलते, ये मतलब लाइब्रेरियन है, इंटेलिजेंट बंदा है पर है एक नंबर का नशेड़िया भाई ये बंदा। ओए मेरी बात सुन, चिल्ड्रंस डे को दारू मांग रहा था यार हमसे। ओए तो इसको अभी यहाँ पर मैं ऐसे फटके मारने वाला हूँ। मेरी बात सुन, अभी तेरे को बहुत ज्यादा काम करना है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तूने वो काम नहीं किया और ड्रीम बॉय के पास जाके रोया कि उन्होंने मुझे उठाया है मेरे घर के अंदर से, तो भाई तेरे को हम लोग डार्क एंटिटीज के अंदर जेल में बंद कर देंगे। क्या चाहता है करे, नहीं भागे नहीं भागे नहीं, मजाक करो भाई, मजाक मजाक मजाक। तेरी इंटेलिजेंस का काम है, तेरे तू इंटेलिजेंट है, तू जो सीखा है आज तक ना भाई किताबों से, जो तू अभी भी पढ़ा, अभी भी कोई एंशिएंट स्कल्पचर पढ़ रहा है अपनी किताब से, बहुत सारी नॉलेज गेन करने के लिए। क्यों अपने हाथ पे तलवार, क्या है ये? नहीं ऐसे डर जाएगा ये भाई, हमारे तरफ वॉरियर नहीं है। डर मत डर मत भाई 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 भाई, डरो मत डरो मत डरो। ये अभी भी नशे में है, इसको लग रहा होगा कि शायद से इसके सपने में यहाँ पे पटाखे फूट रहे। अरे इसलिए तो उसको मैं जगा रहा हूँ। ओए जल्दी जल्दी आ जाए यार, इसकी वजह से हम लोग बहुत स्लो हो चुके हैं। अगर गलती से भी डार्क एंटिटीज रिलीज हुई ना भाई, तो इसको गाइस मैं वहीं पर बंद कर दूंगा उस क्राइम ऑफ चिल्ड्रन की जेल के अंदर। तो याद रखियो भाई मेरी बात को, फटाफट चलो यार। भाई एकदम से हो गया ना अचानक, एकदम से हुआ है ना, ये क्या सीन हुआ? पहले ऐसा नहीं होता गाइस, डार्क इमलैंड जब हम लोग एंटर करते थे तो एकदम से लाल नहीं होता, ट्रांजिशन होता रहा, धीरे धीरे करके लाल हो रहा है, तुमको दिख भी रहा होता रहा ऊपर की लाल हो रहा है ना। अरे भाई डर मत, इसको डर लग रहा है यार, तू चला गया। ये पहली बार आया है ना, ये कभी आया नहीं। अरे चढ़ क्या रहा है, लेकिन इस बंदे को नॉलेज पूरी है इस बारे में कि ऐसा कुछ होता भी है। तू बता भाई लाइब्रेरी ने एकदम से ऐसा क्यों हुआ यार, मेरे को बता जल्दी। डर मत, नीचे आ फटाफट यार, बता जरा। ऑल राइट गाइस, तो लाइब्रेरी हमें पता क्या बता रहा है, वो जो वाइब्रेशन हो रही है ना, जिसने आगे से एकदम सही बोला, उससे ना हमारा जो ये दो अलग अलग डायमेंशन है ना, इनकी जो सिस्टम है बेसिकली क्या बोलेंगे उसको, एक इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, वो हिल चुका है पूरे तरीके से। दैट्स व्हाई एकदम से अंधेरा हो रहा है यहाँ पे भाई साहब। और जब अंधेरा होने का मतलब है कि वो डार्क कैसल ना आसपास से कहीं पे है ना, जियो बेसिकली जो इस वर्ल्ड की जो बुरी पावर्स है ना वो ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, इसलिए वो सख्त से हो रहा है। ओ पोर्टल देखिए मेरे को वाला, बर्बादी ये तुम्हारे भाई ने किया है, और हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, पर वो आजकल ना डार्कनेस वाला इफेक्ट यूज करता है जैसे पहले करता था, लाइक ब्लाइंडनेस वाला। ओ माय गॉड, ब्लाइंडनेस कर दिया था हम लोगों को, और वियर्ड वाला ब्लाइंडनेस था वो ना, कांच लग रहा था ऐसे वहाँ पे, मुझे कुछ तो पिंक पिंक सा दिखा, मुझे लगा पहले हुला लाला ऊपर। एंड गाइस हम लोग फाइनली डार्क कैसल पहुंच चुके। ये कैसल एक्चुअली में होगा लाला का कैसल था, लाइक बहुत पहले से लेकर, जब हम लोगों ने उसको कैप्चर भी, इसीलिए हम लोगों ने उसको कैप्चर यहीं पर किया था। ये हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई थी लास्ट टाइम पे, लास्ट सीजन के एंड में, कि उसको मारने जाते हैं उसी के घर के अंदर, एंड यहीं पर हमने उसको कैप्चर किया हुआ उसी के घर के अंदर। ये बेसिकली उसका पुश्तैनी मकान है, होगा लाला हुला लाला वगैरह का। ये स्टेज के ऊपर ही हम लोगों ने मैन हंट किया था भाई, वो हुला लाला का है कितने पागल, हाँ बहुत पागल की तरह भाग रहा था। जैसे उसको पता चला ना कि उसके पास वो स्वॉर्ड है, मतलब सॉरी ट्राइडेंट है पावरफुल वाला, उससे तोड़ सकता है वो, हाँ बहुत धना धन भागने लगा यहाँ से। एक सेकंड रुको, ये कहाँ रह गया? वो तो भागियो मत भाई, जल्दी आ, डर मत, जल्दी आ। अरे भाई मत डर, दारू से कुछ नहीं होता, पाव खा ले। तेरे को हम लोग बहुत सारा माल देंगे, अरे भाग गया भाई ये, तेरे को हम लोग बहुत सारा माल देंगे ब्रो, बहुत सारा माल, इतना माल देंगे ना कि तू भी मतलब 7 पुश्तों तक तेरी पिएगी आराम से। जल्दी आ जाओ ऊपर यार, अभी तेरे को रेड लेबल देंगे भाई, जल्दी आ। पूरा रेड लेबल, किंग फिशर सब, और क्या होता है, ओल्ड मॉन्ग दे देंगे भाई, इंजीनियरिंग की शान है वो। ऑल राइट गाइस, हम लोग ऊपर की साइड पे तो आ चुके, ओ नीचे मत गिरना, यहाँ पे गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है यहाँ पे। हाँ ये तो मेरा रोज का रास्ता हो गया आजकल भाई, यहाँ पे उसने मुझे ना धक्का देने की कोशिश की थी, यहाँ पे पहुंच गया। ऐसे पीछे रहो। एक बार मैं थोड़ा सा दूर से चले जाता हूँ, टूटा तो नहीं है ये फिलहाल, टूटा हुआ तो नहीं है अभी भाई, जब उसको अनब्रेकेबल ब्लॉक वाली पिकैक्स मिली है उसके बाद। टेंशन मतलब आवाज आएगा यार, अगर वो टूटा होगा। अजीब सी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे, अजीब सी शन जैसी आवाज। अरे वो अंदर से ठोकते रहता है अलग अलग आवाज उनसे। ओ माय गॉड, मैं इसके ज्यादा नजदीक जाना नहीं चाहता गाइस, मेरे को ना बहुत ही ज्यादा डर लगता है इन लोगों से, सच बता रहा हूँ। पता नहीं कैसे हम लोगों ने भाई लास्ट सीजन में इनको यहाँ पर कैप्चर किया था। रुको एक बार, रुको तो गाइस आवाज सुनो अंदर से।
बहुत ज्यादा गंदा भाई, है बहुत ज्यादा भाई साहब, मैं नहीं जा रहा चलाने से। लास्ट टाइम पे मुझे तो ऐसे याद नहीं आ रहा, हम लोगों ने लास्ट टाइम पूजा कराई थी यहाँ पे किसी से ना, वो कौन था, वो यही लाइब्रेरियन था भाई। डर मत, आजा पास आजा, उससे अभी मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे, तेरा ही काम है यहाँ पे, तेरी नॉलेज का काम है, आजा जल्दी आजा, इधर आजा, पानी दे रहा को। ये एक भी यहाँ पे टूटा है शायद, या ये पहले से ऐसे था? नहीं ये पहले से ऐसे थे, ये पहले से ऐसी था। ओह माय, ऐसे डराओ मत यार, मुझे लगा टूट गया ये। अरे मुझे खुद लगा यार, डरा यहाँ पर छेद हो गया ना भाई, ये ना बहुत गंदी आवाज़ें निकाल रहे हैं कसम से। तो ठीक है लाइब्रेरियन भाई, मेरी बात सुन, थोड़ा नजदीक जा। एंड अब देख, पहले मैं तो पूरी कहानी समझाता हूँ, बिकॉज ये जितनी भी एंटिटी है लोग क्राइम ऑप्शन को टच नहीं कर सकते ऐसे करके, तो हम लोगों ने इनको इसके ऊपर खड़ा किया ताकि इनकी जो पावर्स है ना वो बढ़े ना कम हो। लेकिन इनको गुस्सा क्यों आ रहा है, पहली बात मुझे बता, ये अंदर से इतनी अजीब से आवाज़ें कैसे निकाल पा रहे हैं? क्योंकि मेरे को इतना तो पता है कि जैसे ये प्रेजेंट टूटेगी ना, ये लोग बहुत ही विशाल रूप से होंगे अपने। हम लोगों ने इनको इतने महीनों से कैप्चर करके रखा है, ये गुस्सा नहीं होंगे तो क्या पापड़ बेचेंगे हम लोग? ज्यादा टाइम से अंदर है। एंड अभी एक और बात ये है कि हूला लाला के पास, इनके भाई के पास अनब्रेकेबल ब्लॉक्स को तोड़ने वाली पिकैक्स है। दिस मींस कि वो ऐसी ब्लॉक्स को तोड़ सकता है जो अनब्रेकेबल है हमारे लिए। अब ये क्राइंग ऑब्सीडियन अनब्रेकेबल नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए अनब्रेकेबल है, तो वो उसको तोड़ सकता है। तो भाई अब तेरे को ना कुछ भी करके उसको यहाँ पे आने से रोकना है, कुछ ऐसा सोच जिससे वो इसको ना तोड़ पाए, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? हैं? नहीं बोल रहा है भाई, कुछ सोच, दायक बना मत कर, कुछ ऐसा पूजा पाठ वगैरह जिससे हम लोग बोल यहाँ पे लात मार के नीचे गिरा देंगे तेरे को। आई एम स्मार्टर, कोई ऐसी पूजा पाठ, कोई ऐसी टेक्निक जिससे हम लोग उसको यहाँ पे आने से रोक सके, ये बता मेरे को भाई। तू कुछ ऐसी टेक्निक तेरे को पता हो यार, पता है कि नहीं पता है भाई? ये बंदा नाम, तू सोच वरना यहाँ पे लात पड़ने वाले, नीचे गिर जाएगा भाई, दिखेगा भी नहीं। ओ यस, चल कर बॉक्स, ओके किताब निकाल रहा है, पढ़ भाई पढ़ इसको फटाफट। ओके गाइस, ये कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा, एंड अगर एक सॉल्यूशन नहीं निकालेगा भाई तो तेरे को हम लोग इधर ही अंदर कैप्चर करने वाले हैं। याद रखियो डार्क एंटिटीज के साथ फिर अंदर क्या क्या होगा तेरे साथ, याद रखियो वो भी। ऑलराइट, तो इसने यहाँ पर बहुत सारे शल्क बॉक्स रखे हुए अंदर, तक किताबें निकाल निकाल के पढ़ रही है। ऐसे थोड़ा सा दूर आ जाओ, मैं एक चीज आता हूँ यार कि मैम ना इसको यहाँ पे बिल्कुल भी तंग ना करे। ऑलराइट, तो यार 15 मिनट से लेके यार ये बंदा पढ़े जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बहुत हुआ कुछ मिला तेरे को? फाइनली भाई मिल गया भाई। मैंने क्या जल्दी बता, जल्दी हमको यहाँ पे रेसिपी बता कि करना करना क्या, मना कर रहा है जी बंदा। तेरे को चाहिए क्या भाई जीवन में है? इसको हाय होना है, इसको दारू चाहिए, फिर से दारू चाहिए। अबे यहाँ पे कहाँ से लेके आए दारू? मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक बार हम लोग इन सभी को कैप्चर कर देंगे ना, और हम लोग फिर से दोबारा से किंगडम पे राज करेंगे, हम तेरे को ना पूरी की पूरी फैक्ट्री दे देंगे भाई, इस चीज की पूरी फैक्ट्री। यार ऐसे मेरी बात सुनो, अब ना इसको ना मैं उठा के ना नीचे फेंक देने वाला पाताल लोक में, मजाक नहीं कर रहा मैं, उड़ के मार दूं इसको। अरे इसको हर बार एक मैंने कुछ तो देखा था, मैं त्रिशूल से। ऐसे इधर आपका पिकेक्स पड़ी हुई है, पिकेक्स पड़ी आपके पास, इसको तोड़ो यार, इसको तोड़ो यार यहां पे, चलो पुश, एटलीस्ट इसको चलेगा ये गोल्ड। इधर भाई, ओ हेलो भाई जी, ये लो दारू तो नहीं है पर मैं आपके लिए गोल्ड लेकर आया हूँ, ये ले इतना सारा गोल्ड दे रहा हूँ, इतना काफी है ना? आंखें घूम गई देखो उसको, इतना काफी है ना भाई? काफी ले ले यार ले, काफी है, इतना तो काफी हो जाएगा। ऐसा देखते ही देखो आंखें घूम गई लौंडे की, लालची इंसान। ठीक है मेरे बेटे, लालच दिख रहा है ठीक है मेरे बेटे। व्हाट भाई, मेरे आखिरी लौटे बचा 18, अब नहीं, अब मना करेगा ना तो सीधा ये ना पिकैक्स डाल दूंगा भाई, तू देख ले कहां डालूंगा। हाँ ठीक है, चलो फटाफट बता, अब फटाफट हमको बता कि भाई क्या करना है, बता दे यार भाई प्लीज। ए रुको रुको, ए भाई क्या यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये अंदर से सुन लेंगे। ओह नो, इधर 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 भाई, मेरे दिमाग से निकल गई चीज, इधर आ जाओ अंदर को, और ऐसा करते हैं इधर आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, और थोड़ा आराम से बताइए ठीक है ना, क्योंकि मुंह के सामने फिर देना है, फटाफट बता सारी चीजें डिटेल में भाई। ऑल राइट गाइस, तो लाइब्रेरियन ने गाइस हम लोगों को अभी यहाँ पर दिया एक एंशिएंट रेसिपी, और इसके अकॉर्डिंग वो जो एंशिएंट रेसिपी है ना वो इविल पावर्स का दूर रख सकती है। अब देखो गाइस, इसने मुझे बताया कि वो शायद से यहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा शक है, एंड मुझे भी इस पर शक है, बिकॉज उस रेसिपी के अकॉर्डिंग कुछ बुरी ताकतों को एक छोटे से गोल धारे के अंदर आने से हम लोग रोक सकते हैं। अब देखो गाइस, तुम लोगों को पता है कि विज़र्ड यहाँ पर एक इंसान है हमारे वर्ल्ड के अंदर, एंड वो भी यहाँ पर इविल है। अब उसके अलावा जो डार्क एंटिटी है, लाइक जो हमारा ये हूला लाला है, इनविजिबल एंटिटी, ये भी एक बुरी पावर है। तो अब इसने मुझे बोला है कि उसको शायद रोक पाए या नहीं रोक पाए, पर विज़र्ड को ये पक्का रोक सकता अंदर आने से अगर हम लोग यहाँ पर गोल धारा मार देंगे तो। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा सबसे मेन मकसद है वो विज़र्ड को रोकना नहीं है, वो है इनविजिबल एंटिटी को रोकना। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बट उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन है नहीं है, तो हम लोगों को ये वाला रिस्क
भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो भी एक काम करते हैं, इस तरह से हम लोगों ने ना तीन चीजें बोले लाने के लिए, एमेथिस्ट, उसके अलावा ग्लो बेरीज, और जो आखिरी चीज है अब उसके लिए मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है जी यार, क्या करे, कहाँ से लेके आएंगे यार। इसने हमें बोला पहली बार नाम सुन रहा हूँ यार। वही इसने हमें बोला गाइस एक रेडिएटर टाइप चीज की जरूरत है, लाइक जैसे रेडिएटर जो होते हैं ना, लाइक एक मशीन होगी जिसके अंदर से कुछ वो रेडिएट करने वाला है, जिस वजह से क्या होगा एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा, एंड वो जो सुरक्षा घेरा होगा वो एक्चुअल में दिखने को लगेगा जैसे कि बीकन्स खड़े के हम लोग ने ऐसी लंबी लंबी लाइनें निकलने वाली है, लेकिन वो एक्चुअल में होगा बीकन नहीं। देखो हिमलैंड के सारे डायमेंशन के अंदर में जाके आया हूँ, मैंने कभी ऐसी चीज देखी नहीं। अरे वही यार, इसने बोला कि यार वो कोई ऐसी रेडिएटर टाइप चीज है जो कि एक्चुअल में फॉरेन में मिलती है, जैसे तुम लोगों को पता जहाँ से फलाना जी ने वो जो बंदे वगैरह लेकर आया था ना, जो हायर किए थे उसने, वो सारे फॉरेन के गार्ड्स वगैरह, तो वैसे किसी एक फॉरेन कंट्री में मिलता है। अब उसको लाने के लिए हम लोगों को पता है कितना टाइम लग जाएगा, हफ्तों लग जाएंगे हफ्तों, और अब यहाँ पर कभी भी वो हूला लाला एकदम से आकर इनको आजाद करवा देगा, तो इतना तो टाइम ही नहीं हमारे पास, और ऊपर से हो सकता है काम ही ना करे। अरे स्मार्टी, ये काम कर भी गया फिर भी ये बोल रहा है साला कि ये टाइम नहीं पता इसको कितने टाइम तक ये काम करते रहेगा, कभी भी बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसने ये बोला कि वो टाइम भी एक लिमिटेड टाइम के लिए करेगा, लाइक उसको हम लोग रोक सकते हैं बट हमेशा हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि जो भी रेडिएटर टाइप चीज है उसके अंदर बैटरीज वगैरह पड़ेगी, बार बार रिचार्ज, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बट गाइस बाकी दो चीज तो हम लोग यहाँ पे लेकर आए सकते हैं, ग्लो बेरीज एंड एमेथिस्ट। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर तक यहीं पे रहते हैं ठीक है ना, और यहाँ पर रहने के बाद एक बार मतलब यार उसको रोक ही देंगे जैसे जैसे करके, चाहे अपने कोई घेड़ा क्यों लगे। ओ बच्चे तो सुन रहे अंदर से, हम लोग तुम लोगों का आजाद होने बिल्कुल भी नहीं देने वाले यहाँ पे। ओ ओ वेट वेट वेट, ओए लाइब्रेरी मेरी बात सुन, लाइब्रेरी मेरी बात सुन, कोई भी चीज चलेगी जो कि रेडिएट करती है ना, कोई भी चीज। एस यू यार, आपको याद है फलाना जी ने एक मशीन लेके आया था फॉरन से, जिस जो की लाइक उसपे जब हम लोग स्पाय कर रहे थे तो वहां से कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी, जो उसने वो अंदर गाड़ के रखी थी, अंदर नीचे गाड़। आप पता है उस चीज के पास जब मैं गया था ना, वहां पर जब हम लोगों ने डीएनए वगैरह एक्सचेंज किए थे, तो जब मैं उस जगह पे गया था तो वो ने एक चीज को रेडिएट करी थी, जैसे लाइक कुछ ऐसे गोल गोल जैसी चीज, आई गेस वो भी काम कर जाएगा, तो कुछ जुगाड़ वगैरह कर सकता है ना भाई इसके साथ है। चाइला सब कुछ घूम फिर के साला ये फरहा के पास ही आ जाता है यार, सारी चीजें फरहा से करे। चलो ऐसे ऐसे काम करते हैं, फटाफट ऐसे निकलो, फटाफट इस जगह से निकलते हैं। अरे मेरा तो पानी खत्म हो गया, पानी नीचे लगाओ जल्दी जल्दी, कैसे हो, ये लो कूद जाओ यार नीचे, लेट्स गो, और चलो यहाँ से फटाफट ऐसे उस मशीन को लेकर आते हैं, एंड अगर जुगाड़ में कुछ ना कुछ हो जाए ना हमारे साथ तो बेस्ट हो जाएगा यार, मेरे को बस यहाँ पर अभी उस इनविजिबल एंटिटी को किसी भी हालत पे रोकना है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपने किंगडम के पास पहुंच गए, इस बार हम लोग अपने बैक साइड से आए हैं यार, 15-20 मिनट तो लग चुके गाइस, बट अभी तक वो फटने की आवाज नहीं है प्रिजन की, पता नहीं कहाँ वो होगा लाला का कॉलोन, आई मीन वो हूला लाला मरा हुआ है भाई, अपना तो मतलब फायदा ही है ना, क्या ही कर सकते। अरे हूला लाला क्या, ये बंदा की तरह भाई पीछे देखो, ये बंदा गायब हो जाता है अचानक से, तू दारू पीने तो नहीं पीछे रुका है, जल्दी आ भाई, समय की कमी है हमारे पास, क्या आदमी है भाई, इसको कसम से घसे घुसे मारने पड़ेंगे। आ जाओ ऐसे ऐसा करते हैं, वो चीज को लेकर आते हैं फटाफट है ना, फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है यार। अरे पहले रुको ना, ये हुए क्यों जाना है वहाँ पे, अरे फला ची को मुझसे मिला दो ना, थोड़ा सा उसके साथ काम निकलवाते थोड़ा सा। अरे वो आपको, आप फलाना जी से क्या काम निकलोगे, मैं आपकी मीटिंग करा दो मिनट के लिए, ठीक है चलो देख ही लेते उसको एक बार। यहाँ पर देखो वो बंदा वहाँ पे पीछे पड़ गया, पीछे पड़ गया, वो उसको उसको मार दो, उसको मारो, मेरे पीछे ही पड़ा था, बट एक्चुअली वो जो गोल्ड का पुजारी ना उसका बंदा ही है, याद रखना उसको चला पता तो अभी दिक्कत हो जाएगी मेरे और आपके साथ। वो भाई ये फलाना बंदे है भाई साहब, गेड़ा लगे फलाना जी को। अरे अरे ये तो आपके ट्रैप में था ना, यहाँ पे देखो वहाँ पे, मैं आपको बोला था ना इसके लोग ये क्लोन भी ना भाई, ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाती भाई है। भाई ये बंदा भी भाग गया बंदा, आपको पता है अभी यहाँ पर क्या हुआ, एग्जैक्टली अभी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, फलाना जी ने एसयू एक और बंदा बुलाया अपने जैसा सेम जो आपने बोला था, उसके दिमाग की क्रिएशन जो इलाइट्रा पहन के आया था, और इस फलाने को उड़ना था क्योंकि इसके पास इलाइट्रा नहीं थी, इसको घेड़ा लगा हुआ था, तो पहले वाले ने क्या किया, मर्ज होके दूसरे वाले को इलाइट्रा पकड़ाई और उड़ के भाग गया। आप देख रहे हो ये फलाना कितना कुत्ता है, इसने आपसे मतलब यो इसने बेचे ना वो फ्रेम, हाँ फिर भी इसने गोल्ड वाले बंदे का शायद लोन ले चुका था, एक फ्रेम बेच दिया इसने अभी। मैंने इसको, ए भगवान, मैंने कमांडर को बोला था इसको पकड़ के रखो, कमांडर ना भी घसे खाएगा मेरा साथ, आप लोग आ जाओ मेरे साथ ठीक है ना, ये आप लोगों को नहीं मारेगा, नहीं मारेगा क्या,
ये गोल्ड वाले बंदे मार देंगे भाई हम लोगों को। आपको क्यों मारेंगे भाई, ये मेरा दोस्त का है, मेरा दोस्त है वो, मैंने बोल दिया उसको। अरे गोल्ड वाला बंदा मेरा दोस्त नहीं है बिल्कुल भी, वो मेरा मर्डर कर देगा। आप मेरे साथ चलो, अगर आप मेरे साथ हो तो वो काम कर देगा। नहीं कर सकता, मैंने उसको वादा किया हुआ है, मैंने उसको वादा किया हुआ है। तो एक काम करते हैं, साइड हो, क्या छुप छुप चलते हैं। स्मार्टी आपको वो उल्लू बना रहा है, वो एक्चुअली में वो ही बंदा है जिसने वो मशीन बनाई है जो हिमलैंड्स को नष्ट कर रही है। What? Yes, ये वो ही बंदा, आप उसके साथ क्यों घूम रहे हो? रुको, इसका मतलब असली विलन तो ये बंदा है। मैं एक काम करता हूँ, तो मैं ना इस चीज का फायदा उठाता हूँ अभी, क्योंकि अभी ये बंदा मुझ पे विश्वास करता है। अगर आपको मारा साइडों को चलो, साइडों को चलो। तो अभी हम लोग जाएंगे बिल्कुल साइड साइड होके। अभी हम लोग ना फलाना जी को, क्या फलाना जी क्या बोल रहे हैं, कमांडर के पास चलते हैं, कमांडर से सामान तो लेते हैं एटलीस्ट, और उससे पूछते हैं कि फलाना जी ने ये प्रिजन का एस्केप कैसे किया। मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है अभी कसम से। मैं तो बोल रहा हूँ आप इसके साथ ना मीठी मीठी बातें करो, इसको ना अपने झांसे में फंसाओ, अपना दोस्त बनाओ, ताकि जब हमने एक्चुअली जरूरत पड़ेगी। ऑलरेडी बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। मुझे तो ये नहीं पता था बेस्ट है इस बंदे ने वो सारी मशीनें बनाई है डार्क हमारे हिमलैंड्स के अंदर। हाँ, यही है वो बंदा। उसका बदला हम लोग तब लेंगे जब सही टाइम होगा। अभी इसकी हिमलैंड्स क्या, मेन हिमलैंड्स में भी मशीन बना के रखी है लॉन्डे। अभी इस बंदे की जरूरत है, देखो इसके सारे सारे गार्ड्स ऊपर है, आ जाओ इधर ही प्रिजन साइड में। ओके गाइस, तो इस बार ही ना मेरे को कमांडर ने बोला था कि उसने ना फलाना जी को हमारे किंगडम के थोड़े बाहर एक और प्रिजन है इस बे के पास, जो बेसिकली हमारे किंगडम की वाटर वाली पुलिस है ना उनकी जेल है, वहां पर रखा। बेड रॉक की जेल होती है, वहां पे रखा था। अब बेड रॉक की जेल के अंदर से जो बाहर कैसा था फलाना जी, मुझे तो नो आइडिया यार। अरे वो नहीं, उसके क्लो, उसके वो अलग अलग रूप ही है जो घूम रहे है। ब्रो अंदर है एक्चुअली फलाना भाई, ये बंदा यहाँ से एस्केप नहीं किया था क्या? तो अरे अभी बाहर दिखा था हमको, और वो भी नेम टैग। भाई क्या हो रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वगैरह कुछ नहीं करा, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये एक दूसरे के साथ मर्ज होते रहते हैं। अरे आप, अरे एसियो मर्ज तो अभी मेरे आंखों के सामने वो दो बंदे भी हुए थे, और तीसरा भाग गया। आप ये देख रहे हो कि वो दोनों भी फेक थे, और कितनी रियल एक्टिंग कर रहे थे बचने की, ऐसे कि असली फलाना जी है। भाई मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार कसम से, क्या है। और आपको पता है उनके यहाँ पे अभी बहुत सारी मेमोरी होगी, उनको पता होगा, पर इसको पता भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। जब वो लोग आके इसके अंदर मर्ज होंगे ना, तब इसको पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या क्या चीजें हुई है। ओए बेटे तू एक बात है, तू असली फलाना है ना, सच बोलियो, असली है ना तू है? अरे ये तो वो भी असली बोल रहा था। हाँ है कि ना है, ऐसे पता करना पड़ेगा कि असली है भी कि नहीं है। अरे सारे फलाना असली है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं देखो देखो, असली है पर एक बंदे ने अपने दिमाग की क्रिएशन बनाई है बाकी सब, तो ये असली वाला है कि ये दिमाग की क्रिएशन है, इसको पता लगाना अभी, एसडीओ अभी पता लगाना है अभी, राइट नाउ, ठीक है ना? स्मार्टी आप ये भी सोचो ना कि व्हाट इफ वो जो दोनों है वो भी असली ना हो, इसका असली क्रिएशन तो कहीं नेदर में या फिर वॉइड में पड़ा हो। यार इसका भी पता करना पड़ेगा कि असली है कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि असली है, क्योंकि इसने मुझे पिकैक्स दी लास्ट टाइम पे। बट अगर ये नकली हुआ तब भी हमारा वैसे फायदा ही है, क्योंकि अगर हम लोग मिस्टर फलाना जी के दिमाग की एक क्रिएशन को, लाइक एक हिस्से को अपने पास कैप्चर करके रखेंगे ना, तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता बंदा, वो हमेशा तड़पता रहेगा इसकी खोज में, ठीक है ना? तब हम लोग उसको पकड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये तो हो गया, चलो अब ये चाहे असली है ये चाहे नकली है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू बेटे हमेशा यही पे रहेगा समझा, जब तक हम चाहेंगे तू अंदर। अबे थॉल्स की ऐसी की तैसी। कमांडर भाई मेरी बात सुनो यार, आपको एक काम करना पड़ेगा आपको, अरे मरना भी नहीं चाहिए भाई ये बंदा, मरना नहीं चाहिए भाई ये बंदा किसी भी हालत में। इसको पकड़ना मतलब कि लाइक एक लॉटरी लगी है हमारे को, समझे आप? तो एक काम करो, सुनो हमें चाहिए एमेथिस्ट, अंदर से मारा कोई बात इसको अंदर, हमें चाहिए एमेथिस्ट और हमें चाहिए ग्लोस्टोन बेरी, आई मीन ग्लो बेरीज, दोनों की दोनों चीजें लेकर आओ। उसके अलावा हमें एक और चीज चाहिए, उसके लिए मैं और अभी वापस जाएंगे। वो जो तीसरी चीज है उसके लिए तो मेरे को आपको जाना पड़ेगा, जो बैक साइड होकर चलते हैं। कोई बोल दो क्या इसको अभी पकार किस बात का मिल रहा है? अरे ये वहां पे नहीं जा पाएगा, इसको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कहां पे जाना है, मेरी बात मानो। आ जाओ, लास्ट टाइम ये आया था यार हमारे साथ, ये नहीं आया था, मैं और आप अकेले थे भाई, भूल गए डीएनए चेंज करने, मैं और आप अकेले गए थे। सुनो भाई एमेथिस्ट को लेकर आ जाओ फटाफट, एंड देन हम लोग वेट, ये कुछ तो बोलने की कोशिश कर रहा है यार हमको। और तो कमांडर बोल रहा है कि भाई फलाना जी को ऐसे अकेला अंदर छोड़ना, लगा वो एस्केप वगैरह कर गया, वो नहीं कर पाएगा एस्केप, मेरी बात मानो, वो नकली है, उसके अंदर का दिमाग है ही नहीं, भाड़ में जाओ आप, जाओ एमेथिस्ट को लेकर दो मिनट में यहाँ पे, और दो मिनट हम लोग वापस आ गए। अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप इसको, क्लोन्स समझ रहे हो, पर ये क्लोन्स नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इनका सेम दिमाग है। कमांडर मेरे भाई थोड़ा सा जल्दी आ जाओ आपने, ठीक है ना यार, उसको पकड़ो जल्दी। या तो ऐसे आप रहो ना वहाँ पे, नहीं नहीं रुको रुको, अगर आप इसके पास रहते हो तो
क्या मैं वो चीज अकेला तोड़ पाऊंगा? मैं अकेला तोड़ लूंगा, आप जाओ इसके बचाओ, ठीक है? मेरे को पिकैक्स दो, पिकैक्स दो भाई, पिकैक्स दे दे। बस तो नॉर्मल वाली पिकैक्स है, नॉर्मल चाहिए भाई, तोड़ने के लिए चाहिए बस, और एक तलवार दे दो, मेरे पीछे कोई पड़ेगा अगर। तलवार तो मेरे पास ये वाली एक्स्ट्रा वाली पड़ी है, पर कोई भी दे दो, कोई भी दे दो, नहीं है। इससे पहले आपने मेरे को तलवार दी थी, पता नहीं कहां छूट गई यार भाई, डर के मारे। एक ये वाली और मेरे पास, पर है दूसरी बात ये है कि आपका यहाँ पे रहना जरूरी है, कि आपको गोल्ड वाला बंदा देख लिया ना अगर, तो दिक्कत ना हो जाए, तो आप अंदर जाओ, ठीक है? वो तो प्रॉब्लम है ही, मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पे ही पहरेदारी करता हूँ, ये फलाया को कहीं जाने नहीं दूंगा मैं। ऑल राइट, तो इधर ही किधर से हम लोगों को जाना है नीचे, एंड तुम लोगों को याद होगा यहाँ पर भी हमारा बहुत ही गंदे वाला मैनहंट हुआ था उस टाइम पे गाइस, एंड यहाँ से अपने को जाना था यहाँ से नीचे, यहाँ से जगह नहीं है, इधर ही किधर एक और छेद था भाई, ये रहा। एंड गाइज ये है वाली मशीन, वैसे तो मेरे को याद है ये टूटती नहीं है, रुको, हाँ ये टूटती नहीं है, ओके ये भी अनब्रेकेबल उससे बनी, अगर वाली पिकैक्स मेरे पास होती ना सुपर पिकैक्स, तो मैं उससे इसको तोड़ पाता यार आसानी के साथ। और इसके अंदर का कोई एक रेडिएशन रेडिएटर वाला पार्ट है, अब वो वाले पार्ट की हम लोगों को जरूरत है। तो गाइज देखो, अगर हम लोग इसको कम्प्लीटली डिसअसेंबल कर देंगे ना, तो फिर सारे के सारे पार्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको करने के लिए मुझे इसकी बैटरी ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं बैटरी को तोड़ूंगा तो उसके बाद ये पूरी की पूरी जो हमारी मशीन है ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसको तोड़ने के लिए पहले बैटरी ढूंढनी पड़ेगी, आई हैव नो आइडिया कि बैटरी कहाँ पर है इसके अभी। एक काम करते हैं, देखो ये तो बैटरी नहीं हो सकती है, ये भी नहीं, ये क्या पीछे, आई गेस ये टूट जाएगा, लेट मी चेक, यस ये बैटरी है इसकी यहाँ पे, और अब ये, यस अब टूटेगा ये गाइस। एक काम करते हैं, जितने भी इसके सारे के सारे हिस्से है ना, इस सारे के सारे एक एक दो दो हिस्से मैं लेके जाता हूँ, इनमें से कोई एक हिस्सा है जिसकी हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, एंड रॉड की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आई गेस, और ये सारे के सारे हिस्से मैं ऐसा करते हैं यहाँ से लेके चलता हूँ, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे फलाना जी तो है नहीं है इस किंगडम के अंदर, तो अगर ये मशीन टूटती भी है तो उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ से फटाफट इसको तोड़ के अब बाहर निकलते हैं। अबे तू भी टूट भाई, देख रहे तुम लोग किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, बैटरी टूटेगी तो पूरी की पूरी मशीन टूटेगी, और ये एक्चुअली फलाना जी ने इसको अनब्रेकेबल उससे नहीं बनाया था, ये एक्चुअली जो मॉडल आया ना बाहर से जहाँ से लेके आया था, ये वहीं से बन के आई हुई थी अनब्रेकेबल, ताकि हर कोई इसको तोड़ ही ना पाए। और यहाँ से हम लोग डार्क बाहर ही पहुंच चुके, दिस इज नाइस। ऑलराइट, हम लोग पहुंचने वाले हैं, जल्दी करना पड़ेगा भाई, मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हेलो, यो, अरे आ गया मैं यार, लाइब्रेरियन सुनो, ऐसी कहाँ है वो एमेथिस्ट और ग्लोबेरिस, दो मेरे को जल्दी। मैंने दे दिया लाइब्रेरियन को, दे दिया। अच्छा दे दिया इसको लाइब्रेरियन, चल भाई। देख मुझे ना एक्चुअली मैं पता नहीं चल रहा था कि एक्जैक्टली मुझे उस मशीन का कौन सा पार्ट चाहिए होगा, तो मैं सब कुछ ही लेकर आ गया भाई। तो देख भाई लाइब्रेरियन, ये सारा सारा सामान सब कुछ उठा दे, और जो भी चीज इनमें से एक लगती है ना भाई, तो तू उसका इस्तेमाल कर दे, ठीक है मेरे भाई? तो पूरा वो हनुमान की तरह पर्वत ही लेके आ गए। अरे भाई कुछ पता नहीं चल रहा था, एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अभी देखते हैं गाइस कि क्या वो रेडिएटर जैसी चीज काम आएगी नहीं आएगी भाई, आई हैव नो आईडिया। ओ भाई हो जाएगा क्या, मुझे बता तो सही, थोड़ा हिंट तो दे दे लाइब्रेरियन ब्रो, हो जाएगा क्या? लगता है देखो यहाँ पे इसको, ये सुन तो नहीं पा रहा ना, इसको चाहे सुनने दो भाई, ये भाड़ में जाए अभी, इसको नो आइडिया। चलो देखते हैं गाइस, अगर बना पाया उस एंशिएंट चीज को, अगर नहीं बना पाएगा भाई तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे बना देगा, ये बना देगा, ये बना देगा, ये बना देगा। मैं एक्चुअली फलाना का दोस्त हूं, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, व्हाट इफ हम लोग ये बंदे का मर्डर ही कर दे, तो फलाना मर जाएगा। देखो ये अगर असली फलाना है तो मर जाएगा, लेकिन अगर उसके दिमाग की क्रिएशन है तो एज यू हो सकता है कि वो कमजोर बन जाए दिमाग से, बट उसको फिर इतना गुस्सा आएगा आपको, तो कुछ ना कुछ करके हमसे बदला लेने आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको, अगर हम लोग इस बंदे को पकड़ के रखेंगे ना, तो उसको हम लोग कभी भी, मतलब उसको छुड़ाने के लिए वो आएगा, एंड देन उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। पहले तो इस राज के ऊपर से पर्दा उठाना है कि भाई ये एक्चुअली में है कौन है ये बंदा, लेकिन कैसे वो ये चीज कर रहा है। अगर हम लोगों को लग गया ना पता कैसे कर रहा है, तो इसका हम लोग तोड़ भी निकाल देंगे फिर। तो ये चीज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं भाई क्या होता है कि नहीं। 300K लाइक्स एंड फिर ये भी हो जाएगा गाइस बहुत जल्द, शायद हो गया इसका, क्या कर रहा है भाई इसका हाथ पे कुछ हो गया। What is this? रुको, What is this? इसका नाम है ancient guard, spawn pied piers on block, पता नहीं क्या चीज है ये। चल आई किस में समझ गया, ancient guard मतलब जो guard करेगा हम लोगों को पूरी स्पीड से। आजा भाई तेरा काम है कमांडर भाई, उसको भागने मत दियो कहीं भी, ठीक है ना? इसको तू भागने मत दियो, दरवाजा बंद कर एंड आ जाओ फटाफट चलते, अब हमारा काम हो गया। ओ माई गॉड, मुझे तो एक प्रोटेक्टिव ऐसी ऐसी लेयर जैसी बन जाएगी, ऐसी राउंड वाली उस जगह की। बंदा क्या बोल रहे हो, बंदा कैसे बन सकता है? मुझे लगा था कुछ ऐसा ही होगा, बट नहीं, एक्चुअली लेजर टाइप चीज छोड़ेगा ये,
जिससे बुरी ताकतें अंदर आनी पड़ेगी, लाइक इविल पावर्स की बात कर रही है, ये स्मार्टी ने स्पिरिट की बात नहीं कर रहा है, इसलिए इसको पता नहीं है कुछ भी। ऑल राइट गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंचने वाले, गाइस नीचे मत गिरना, मैं ऑलमोस्ट नीचे गिर गया था अभी। एंड देखो गाइस हमारे साथ कौन आया है यहाँ पर, होगा लाले का कलोन। अब इसको मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन की वजह से यहाँ पर लाया, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो तुम लोग ऑलरेडी मेरी प्लानिंग लग जाएगी पता, बट आई होप कि इसकी जरूरत ना पड़े, बिकॉज इसकी जरूरत मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में पड़ने वाली है, वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर उतने तक हम लोग पहुंचे ना तो तुम लोग समझ जाओ कि हमारे यहाँ पर बैंड बजने वाले फिर उसके बाद। तो इसलिए मैंने इस बंदे को यहाँ पर लाया है सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी के लिए, एंड इसके साथ मैंने वो प्लानिंग ऑलरेडी कर दी है, एंड मैं तुम लोगों को प्लानिंग बताकर भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज अभी हम लोगों को प्रोटेक्टिव शील्ड लगानी है उसके आसपास हमारे इस प्रिजन के। मैं नीचे गिरने वाला था भाई, गॉड की कसम मैं बच गया अभी। अरे बाबा न्यूटन से डरो मैन, वो कुछ भी खींच लेगा भाई। अरे भाई ऑलमोस्ट नीचे गिरता तो कितना टाइम वेस्ट हुआ था, यहाँ से आराम से आना हो गया, तू मेरे साथ जल्दी आ। देख तेरे को ना तब तक बाहर नहीं निकलना है जब तक मैं ना बुलाऊं, तो इधर ही कितना छुपा रहे, ठीक है? तेरा काम क्या हुआ, ठीक है सब, जल्दी आ जाओ, यहाँ पे कुछ तो है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे हो गया, तू इधर आ, तू इधर आ। अब ये कैसे बन सकता है यहाँ पे, कोई तो आके ही है यहाँ पे यार, डेफिनेटली। ओह माय गॉड, होगला छुपा रहा है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे लाइब्रेरियन मेरी बात सुन भाई, तू भी होगला वाले के साथ ही रह ले, तू मर सकता है इजीली, है ना, तू आ जा, मैं और एस जो थोड़े बहुत वॉरियर है तो हम लोग बनाया यहाँ पे, ये तो देखो एस जो पीछे 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 पीछे, व्हाट, एक सेकंड पीछे बताओ, टूट तो नहीं गया कहीं ये, तो नहीं गया आपको, टूटने का नहीं पर किसने वहाँ पे क्यों बनाया ये? अरे आप एक बात, आपको कोई आवाज सुनाई दी थी क्या एसडीओ, लाइक फटने फुटने की? नहीं नहीं, मैंने को नहीं भी सुनाई दी थी यार, मैं तो एक ही जगह पे तो था। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रिजन एकदम सेफ है। ओ माय गॉड, दूसरी तरफ से देखो ना, दूसरी तरफ बराबर है। एक सेकंड को पता लगा कि शायद से कोई यहाँ पर आके लेकर चला गया, यहाँ पर देखो ढंग से ये पोर्टल तोड़ देते हैं ना, पोर्टल तोड़। एक सेकंड एक सेकंड, कैसे पोर्टल तोड़ने से कुछ फायदा नहीं, आप एक काम करो मैं अंदर जाके चेक करके आता हूँ ना किसने ये पोर्टल बनाया होगा। अरे तुम्हें क्यों इतना पड़ा है, मैं बोल रहा हूँ तोड़ देते हैं। देखो अरे तो अंदरली साइड से कोई लाइट अप करके फिर से आ जाएगा, टूटता थोड़ी है पोर्टल हमेशा दूसरी साइड से। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो ना, देखो यहाँ पर ये क्राइंग ऑप्शन के ऊपर बना है पोर्टल, दिस मीन्स कि डार्क एंटिटी यानी कि वो हुला लाल तो बना नहीं सकता इनविजिबल एंटिटी, क्योंकि इस पे कदम रख नहीं सकता है। भाई मेरे को ऐसा करो जियो, कुछ दो तलवार तलवार दे दो यार प्लीज, है ना, मेरे को खाने का खाने का सामान तो आप क्या ही दोगे मेरे को यार, तो यार थोड़ा बहुत दे दो यार। इन्वेंटरी में यार सब कुछ कूड़ा कचरा भरा पड़ा है यार, आप सब कुछ ले लो, ये लो ये लो। अरे कूड़ा तो मत दो कम से कम भाई, भाई क्या ही फालतू की चीजें पड़ी आपके पास, क्या दे रहे हो मेरे को सैपलिंग, भाई सैपलिंग से क्या करूंगा मैं, मेरे पास पुराने वाले निक्की के जूते भी है, वो चाहिए तो वो भी ले लो। अरे भाई 10 वाले जूते है भाई पड़े, इसको ले जाओ मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और मैं अभी अंदर जा रहा हूँ ठीक है ना, एंड जो भी होगा अंदर मैं देख के आऊंगा। आप एक काम करो इसको बुलाओ लाइब्रेरियन, जल्दी आ जा भाई इधर, और यहाँ पे सेटअप करना स्टार्ट कर ले, और मैं खुद यहाँ पे रखवाली करता हूँ आपके आने तक। अरे ऐसे यहाँ पे रखवाली की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों ने सेटअप स्टार्ट करो यहाँ पे उसका, ठीक है, जो वो चीज है जो कि यहाँ पे बुरी पावर्स को अंदर से बचाएगी उसका सेटअप स्टार्ट करो, और मैं यही कर रहा हूँ, देखा मैं चलेगा, मैं ही निगरानी रखता हूँ ये। लेट्स गो इनसाइड भाई, जिस किसी ने भी किया है ना उसको ढूंढना पड़ेगा, बड़े आराम से ढूंढेगा लेकिन, ठीक है। देखो शिट, ये कौन था, ओह नो, व्हाट द है, ये विज़र्ड है, इसकी ऐसी की तैसी निकली यहाँ से, भाग 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 भाग, ये विज़र्ड है ना, इसकी ऐसी की तैसी फाइनली बंदा आएगी हमारे पीछे, आजा आजा, ओ भाई खाली हाथ लड़ रहा है मेरे से, आजा मेरे पीछे, कितने टाइम की बातें से फाइट हो रही है, कितने टाइम के बाद, तेरे को मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। ओह माय गॉड गाइस, पार्कोर चैंपियनशिप, मैं गया, आई एम डेड, ये क्या आदमी है भाई, ये कितना स्ट्रांग आदमी है ये, सीरियसली बता रहा मैं तुम लोगों को, थोड़ा सा बचा दे भगवान, थोड़ा सा बचा दे ब्रो, ये मुझे मार देगा भाई, मैं भी ऑलमोस्ट मरने वाला था। अरे मान लिया भाई, बंदे को हराया था पार्को चैंपियनशिप में, इतना पर्सनल क्यों ले रहा है तू, तो मुझे हराने ही आया था, इसको नीचे गिराने वाला अभी, इसको नीचे नीचे गिर, नीचे गिर, नीचे गिर, पकौड़े इसको मैं नीचे गिरा दूंगा, गिर गया, नो वे, थोड़ा सा रह गया, निकल 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 निकल, स्मार्टी मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं फंस गया भाई। विज़र्ड के साथ फंसने का मतलब है गाइस कि अपनी मौत है अभी, और इसी वक्त यहाँ पे ये कुछ सेकंड्स में मार देगा मेरे को अगर मैं कहीं भी फंसा तो। ओ माय गॉड, मैं कहां पे आ गया, व्हाट इज दिस, ये क्या जगह है, ऊपर चल ऊपर चल, व्हाट द हेक इज दिस, आ गया बंदा भी आ गया, आजा 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 आजा, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, इसको मैं इसको इसको नीचे गिराना पड़ेगा, अगर मेरे ज्यादा नजदीक आया ना गाइस तो ये बजा देगा मेरी बैंड। ये क्या है यहाँ पे, इतने सारे स्ट्राइडर्स क्या कर रहे हैं, I have a plan, guys. Okay,
लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू वन थिंग, मेरे पास एक ब्रिज टाइप बना, ओके 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 गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी, एक ब्रिज बना वहां पे, स्ट्राइडर्स का ब्रिज क्या कर रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, ओ माय गुडनेस, चल नीचे यहां से, दिस इज सो वियर्ड, मेरे ब्लॉक्स कितने बचे हुए हैं, मेरे पास बहुत ही कम ब्लॉक्स बचे हैं गाइस, ओके ओके आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, कहां गया बंदा, साइड से आ रहा है, नो वे डूड, मैं अपने ब्रिज पे वापस आना चाहता हूँ एक बारी, मेरी क्राफ्टिंग टेबल है वहां पे, आजा 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 आजा, मैं ब्लॉक्स कम है मेरे पास, ओ ये कहां पे जा रहा है भाई ये ब्रिज, लेकिन जहां भी जा रहा है मैं वहां पर सेफ रहूंगा आई गेस, मैं आगे के लिए जाने वाला हूं अभी, सीरियसली बता रहा हूं मैं, ब्लॉक्स तोड़ सारे के सारे, ब्लॉक ये ब्लॉक मेरी इन्वेंटरी पे नहीं आ रहे भाई, कुछ भी हो रहा है जिंदगी है मेरे साथ ब्रो, दिस इज सो अजीब सी बात, मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहे ब्लॉक्स कोई भी, भाई ये क्या है नीचे, पता नहीं कहां, ओ ओ यस मैं बच गया, आई गेस मैं बच गया ब्रो, वापस आ, मेरी मेरे हाथ से चला गया वो, एंड यहां से अंदर एक सेकंड, क्या मैन व्हाट, बिल्लू हेलो, किसके ऊपर बैठा हुआ भाई ये बंदा, ये कौन है ये, के वेट ये कुछ तो कर रहा है यहाँ पे, व्हाट ब्रो, विजर्ड को हवा में लटका दिया इसने, व्हाट इज हैपनिंग डूड, I don't know, तुम लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा रेंडर बढ़ा दूं क्या मैं अपना गाइस, या तुम लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर ये यहाँ पे इस स्टेज को पोजेस, ओह माय गॉड ये तो सेवियर है ब्रो, ये तो सेवियर है हमारी, भाई इसकी यहाँ पे दिख रहे हो तुम लोग, एक परछाई भी बनी हुई है, मैम आप जो भी कर रहे हो, नहीं चुड़ैल लग रही है मेरे को यहाँ पे, आप जो भी कर रहे हो ना कृपया करके करते रहो, इसने मेरा जीना हराम किया इस बंदे ने, हेलो 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 एक सेकंड रुको मैं इसके सामने आऊंगा, बट मैंने इसका आई कॉन्टेक्ट तोड़ना नहीं चाहता विजर्ड से, तुम लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, भाई मेरे को एक बात बताओ आप हो कौन हो और आप ये चीज मेरे लिए क्यों कर रहे हो, प्लीज मैं जानना चाहता हूँ पूरा, और प्लीज अपनी ना कॉन्सेंट्रेशन विजर्ड के ऊपर ही रखियो प्लीज यार, इसने मेरी बैंड बजा दी तो यहाँ पे, ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर चुड़ैल आंटी से बात करी है, तुम लोग हैरान हो जाकर सुन के कि है कौन है एक्चुअली में, एक्चुअली गाइस जो डार्क कैसल है ना ये हमारे होवा लाला हुला लाला वगैरह के लिए बहुत पहले काम किया करती थी, जब ये लोग ज्यादा इविल नहीं थे, इनका कोई पास था, पता नहीं क्या पास था, जो भी पास था, उसके बाद इसको भगा कर यहाँ पे नेदर के अंदर रख दिया गया था, लाइक इसलिए बहुत ज्यादा नजदीक रहती है वहाँ के, एंड इसने इतने सारे स्ट्राइडर्स यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं, बिकॉज स्ट्राइडर्स को एक खाती है अपना पेट भरने के लिए, एंड इसने बहुत सारे स्ट्राइडर्स को यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है ताकि इसको ज्यादा दूर जाना ना पड़े, एंड अगर ये लोग यहाँ पर नहीं होते ना तो मैं शायद से क्लच कर भी नहीं पाता, और तुम लोग सोचोगे मैंने वो बोट क्यों बनाई, बिकॉज मुझे पता था कि इस टाइप से हम लोग बच सकते हैं, और मुझे लगा नहीं था कि मैं बच पाऊंगा विजर्ड से, तो अभी गाइस इसने मेरे को बोला है कि जितनी भी बुरी ताकतें वगैरह है ना ये उनके खिलाफ काम करती है, बिकॉज इसने कभी सोचा नहीं था कि होगा लाला वगैरह इसको यहाँ पे फेंक देंगे नेदर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए, इसका बाहर आना अलाउड नहीं है बाय द वे, एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ का वेदर भी सेम वैसा ही जैसे बाहर का है, तो इसने मेरे को गाइस बोला कि ये यहाँ पे ना कंटिन्यूअसली इसको पकड़ के रखने वाली है, एंड हम लोगों के पास एक्चुअली में यहाँ से बाहर निकलने का मौका है अभी, अरे शिट वहाँ पे ऑलरेडी क्राफ्टिंग टेबल पड़ी हुई थी, मैंने ना थोड़ी बहुत यहाँ पे ब्लॉक्स वेस्ट कर दिए अपने, बट मेरे को यहाँ पे इससे गाइस स्लैब्स बनाने पड़ेंगे, जब मैं स्लैब बनाऊंगा तभी यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा, बिकॉज आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट इस नेदर के अंदर मैं ब्लॉक्स निकाल ही नहीं पा रहा, खोद नहीं पा रहा मैं, चुड़ैल आंटी प्लीज को कंट्री से पकड़ के रखियो, मैं आ रहा हूँ बस आगे के लिए, हाँ जी सर जी हवा में लटके हुए, तब तो तू यही करता रहे मेरे भाई, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट होगा इससे मैं सैंड स्टोन बनाता हूँ थोड़े बहुत, एंड एक दो ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे, एंड एक ब्लॉक यहाँ पे, अब यहाँ से मैं एटलीस्ट ऊपर पहुंच पाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे एक ब्रिज बना देता हूँ तो, ये अभी तक पकड़ा हुआ है ना इसको ऊपर, कहाँ है ये बंदा दिखाओ जरा मेरे को, यस भाई साहब, अगर ये चुड़ैल यहाँ पे नहीं आती ना गाइस मेरा भी यहाँ पे मोटे वाला मैनेट हो जाना था, और तुम लोग खुद सोचो मैं तो यहाँ पे ब्लॉक्स भी नहीं खोद पा रहा भाई, मैं तो कहीं पे दीवार के अंदर घुस भी नहीं पाता, और अब यहाँ पर भी एक बड़ी ऐसी सीढ़ी बनानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ऑल राइट बड़े आराम से यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, लेट्स गो एसडीओ, हेलो 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 अभी आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो, अरे भाई भाई साहब आ गया बंदा, आपको बताया अभी कौन था अंदर, अभी वो लाइब्रेरियन का है, कौन था अंदर हुगा लाला वगैरह तो नहीं था, नहीं वो तो आ ही नहीं सकता भाई, लाइब्रेरियन का है मुझे जल्दी बताओ, यहाँ से देखो उसने सेटअप कर लिया ऐसे, वो ओके बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मेरी बात सुनो, अंदर ना विजर्ड था,
भाई उससे जो मेरा मैनेज किया ना अभी, आपको अभी कोई आइडिया विज़र्ड विज़र्ड वो बंदा भाई पागल हो चुका है बंदा अंदर अभी अंदर जो मेरे साथ हुआ है ना के पीछे लगा पड़ा है यार पता नहीं इसको तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं फिर वही मैं आपको बोल रहा हूँ अभी अंदर जो मेरे साथ हुआ है ना बाद में समझाऊंगा और अगर हम लोगों ने इसको भी प्रोटेक्ट कर दिया ना जगह को तो पता क्या होगा तो एक चीज होगा गाइस एसडीओ कि विज़र्ड अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा बिकॉज वो भी एक इविल पावर है तो मैं इसको तोड़ता हूँ फटाफट यहाँ पे एंड इसको बोलते हैं एक्टिवेट करने के लिए आप तोड़ो एक साइड से ठीक है दो तोड़ के रखते हैं बस बाहर में जाए यो हेलो भाई देख रहा है ना वो कर दिया तूने सेटअप भाई हाँ बोल रहा है ठीक है सुन भाई एक्टिवेट कर ले इसको जल्दी जितना जल्दी कर सकता है पता नहीं क्या होगा यहाँ पे आई हैव नो आइडिया बट कुछ तो करने वाला है ऐसे मुझे एक बात बताओ भाई वो आया नहीं अभी तक हुला लाला अरे पता नहीं उसको कुछ इंटरेस्ट ही है अपने भाई को बचाने का वो आया ही नहीं बिल्कुल भी मैं पूरा घूम के आया ये बीकन लग रहा है नहीं बीकन नहीं ऐसे देखो दीवार के थ्रू आ रहा है वो ब्लॉक्स के थ्रू कभी भी बीकन आता नहीं है ये वही पावर है और अब इस पावर के दम पे क्या वो ऐसे आप गौर से देखो एक बार इसको गौर से देखो कितना ज्यादा ऑसम है ये यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है यहाँ पे एक मिसिंग है इस तरफ नहीं मिसिंग कुछ नहीं है भाई आप गौर से देखोगे ना अगर ऐसे इसको ना तो गाइस तुम लोगों को भी शायद दिख रहा होगा मैं F1 दबाता हूं गौर से देखो इसके बीच में तुम लोगों को दो रेस के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसी दिख रही होगी देखो यहाँ पे जब मैं इधर के लिए जा रहा हूँ भाई ये है वो प्रोटेक्टिव लेयर जिसके दम पे वो अंदर आ ही नहीं पाएगा क्या बोल रहे आप ऊपर देखो ना ऐसे पूरा का पूरा पिरामिड बन रहा है यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ अब वो कहीं से अंदर नहीं आ पाएगा ना नीचे से खोद के ना साइड से अंदर अब गाइस लाइब्रेरियन तो बाहर निकल सकते हैं ना नहीं हम इविल पावर थोड़ी है भाई हम इविल पावर होते तो हम लोग अंदर आ ही नहीं पाते मेरे अंदर तो दरिंदा इंसान है ना एक तो वो अरे वो तभी चलेगा यार जो असली इविल ताकतें हैं उसको अंदर आने नहीं देगा भाई गौर से देखो यार इसको कितना ज्यादा ऑसम लग रही है एंड एक्चुअली में गाइस ये ब्लॉक्स के थ्रू आ रहा है यार तो ये बीकन भी नहीं है एक्चुअली ये व्हील दरिंदा कैसे आ रहा है भाई दारू पी के अंदर ओए ये होली जगह तू निकले ऐसे नहीं मजाक करो मत निकले तू नहीं हमारा काम किया भाई अंदर आ जा तो इसको ऐसे अनाप शनाप बातें करेंगे ना भाई अरे बुरा मान गया अगर तो भाग जाएगा यहाँ से ये बिल्कुल नहीं भाई इसने बहुत तगड़ा काम कर दिया लेकिन इससे कुछ नो प्रोटेक्शन लगेगा पर ये नल्लू ना करा जरा पुस्तकें पढ़ना बता रहा कितने टाइम तक रहेगा ये प्रोटेक्शन एक्चुअली इसने इससे पहले बताई ये बात यार पर इसने बोला कि ये रह तो जा सकता है बट एक्चुअली में जो वो एमिट करने वाली चीज हमने लाई थी ना मशीन की वो टेम्परेरी चीज है भाई जो असली है ना वो बहुत ही एंशिएंट थी अब वो क्राफ्टिंग रेसिपी में थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उस वजह से हो सकता है कि ये थोड़ी आसानी से टूट भी जाए बट मुझे लगता नहीं है कि वो तोड़ पाएगा इसने बोला कि थोड़ा मुश्किल है बट लेट्स सी कि क्या होता है यार much later अरे इंस्टा पे लड़कियां ताड़ना बंद करो वो आ गया है देखो वो आ गया कहाँ पे लाल आ गया भाई साहब यहाँ पे इनविजिबल भी नहीं है बंदा ये मैं इसको देख पा रहा हूँ क्लियरली ओके अच्छा नाना ये यस भाई साहब ये नहीं आ पा रहा गाइस गौर से देखो इसको ये यहाँ पे आगे के लिए छलांग मारेगा एंड क्या कर रहा मोशन बना रहा है ओ माय गॉड ये अंदर नहीं आ पा रहे ये एक्चुअली काम कर रहा है जियो ये एक्चुअली थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच भाई ये इस लेकिन ऊपर के लिए इसका ट्रायड हवा में गायब हो रहा है यहाँ पे खड़े रहो इसके शॉक वेव लगते हैं लग रहे हैं लेकिन भाई डैमेज नहीं हो रहा हमको भाई अंदर नहीं आ पा रहा हमारा काम हो गया अब आ घूम के आजा भाई तो घूम के आजा कुछ नहीं कर पाएगा लेट्स गो कुछ नहीं कर पाएगा भाई बता तुमसे ना हो तोड़ तोड़ भाई तोड़ मेरे बेटे ये है हमारा पूरा जो कट प्रोटेक्टिव लेयर कोई भी बदसूरत प्राणी इसको पार नहीं कर सकता है हाँ साइड में आजा और साइड में आजा भाई और यहाँ से घुसने की कोशिश कर घुस मेरे बेटे ये देखो यहाँ पे भाई ये काम कर रहा है ऑसम चढ़ गया भाई नहीं चढ़ सकता यार यहाँ पर एक्चुअली लगा ना कि ऑलमोस्ट चढ़ गया बंदा आजा यहाँ से भी ट्राई कर ले भाई यहाँ से भी अरे ट्राइड मारना भाई प्लीज ट्राइड मारना भाई नहीं तुम लोगों का कुछ तो रिश्ता है भाई ये देखो ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा भाई भाग गया Let's go! हम लोग एकदम सेफ है जियो ये ना यहाँ पे ना टूटेगा और ना ही ये बंदा यहाँ से अंदर आ पाएगा ओह मेरा ट्राइडेंट बाहर जाता है आपका जा रहा है ना बाहर देश क्योंकि हम लोग बुरे नहीं है भाई ये बुरा आदमी है हम यहाँ पे ऑसम बंदे हैं भाई साहब मैंने उसके मुंह के ऊपर फेंक के मारना चाहिए था यार अरे आपने पहले ध्यान नहीं दिया पहले मारते है ना उसके मुंह पे तो भाग जाता भी डर के मारे ओह माय गॉड वो हार्डी ये क्या था यहाँ पे टूट गया कुछ तो यहाँ पे सच्ची है बीम गायब हो गया यहाँ पे बीम गए उमेश तोड़ दिया कैसे तोड़ा इसने
मुझे नो आईडिया या फिर कुछ नहीं दिखा। बहुत गंदा सा धमाका, आपने सुना नहीं? सुना मैंने भाई। ब्रो व्हाट लग गए भाई, सीरियसली ये बहुत ज्यादा, कुछ तो इसे टूट कैसे सकता है यार। यार मेरे को नो आईडिया। लाइब्रेरी नल्ला ना करा वो जल्दी मुझे किसने बताया नहीं है। होगा लाले के क्लॉन से मैंने कुछ डिस्कशन की थी ना, वो अभी यहाँ पर काम आएगी। होगा लाला जल्दी कहाँ पे है क्लॉन, ये पता नहीं कहाँ मरा हुआ है भाई बंदा। जल्दी 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 ऊपर ऊपर मत, ऊपर नीचे 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 सामने खड़ा जा, सामने खड़ा जा, वहाँ पे नीचे थोड़ा आगे जा, थोड़ा और आगे जा, यहाँ पे पीठ घुमा के खड़ा जा बस। एग्जैक्टली अब तेरे को याद है ना, ऊपर देख तेरे को याद है ना तेरे को एग्जैक्टली क्या करना है भाई। बेस्ट ऑफ लक टू यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है तेरी जिंदगी का, ऐसे थोड़ा पीछे रहना। अब ये बंदा मैं अभी भी बोल रहा हूँ उड़ा देता है भाई, मेरे पास है त्रिशूल, कोई भी आएगा उड़ा देगा ये भाई, अभी कभी भी आ सकता है, ऐसे थोड़ा पीछे रहना। आएगा उधर से जहाँ पर से तोड़ा है, तो मैं इसको बस F5 में देखने वाला हूँ। ऐसे ये बंदा कभी भी आ सकता है, आपने एकदम ध्यान देना ठीक है ना, पीछे रहो। आ गया, इसको ना इसकी प्रेजेंस का लग गया पता, F5 में देखना इसको, देखोगे तो आप माई गॉड ये ना एक दूसरे के, इसको अगर इसको लग गया पता है फेक है ना तो लग जाएंगे इसके। आ क्यों चल रहा था ब्रो, हो गया काम, हो गया हमारा। आई गेस बातें कर रहे हैं। ओ माय गॉड, एज़ियो थोड़ा पीछे आ जाओ अब यहाँ पे, अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या अभी। ओए आप लोगों ने सीरियसली उसको उल्लू बनाया क्या? हमने इसको अभी उल्लू बनाया, इधर आओ जल्दी आओ साइड में आ जाओ। ओ माय गॉड, हमारा जहाँ पे मेन प्लान था गाइस वो ये था कि अगर डार्क एंटिटी गलती से, लाइक इनविजिबल एंटिटी गलती से यहाँ पे आ जाते हैं अंदर, तो होगा लाला का क्लान उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, एंड उसने उसको बेवकूफ बना दिया है। बट गाइस पर ये बेवकूफी ज्यादा टाइम तक रहेगी नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली बोल दिया वो मार देगा। नहीं ऐसा एग्जैक्टली मैंने उसको ये बोला था कि उसको प्रटेंड करना है कि वस्ते होगा लाला, उसको बहुत दूर जाकर कहीं फंसा सकता है तो फंसा दे, अदरवाइज भाग के आ जाइए। सैक्रिफाइस ले लिया मैंने उसका, ऐसा हो कि मर जाएगा बंदा, ये मरेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं ठीक है ना। तो अभी फिलहाल को हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है यहाँ पे, तब तक हम लोगों को कुछ और प्लानिंग वगैरह बनानी पड़ेगी। आ जाओ निकलो यहाँ से, आ जाओ।